तो बच्चों अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ सेटेलाइट की सेटेलाइट की हमने वेलोसिटी देख ली सेटेलाइट का हमने टाइम पीरियड देख लिया अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ सेटेलाइट ठीक है कोई भी सेटेलाइट है क्या देखते हैं अपने पास कि सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ अर्थ के ओर घूम रहा है अपने पास इट मीन क्या होता है द सेटेलाइट इज इन मोशन सेटेलाइट इज इन मोशन इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन

अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मालूम है किसी भी सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज टू अंडर जी एम ई एम अपॉन आर अब आप उसका स्क्वायर कर लोगे तो यहां उसकी वैल्यू को पुट करोगे तो काइंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा कि द काइंट एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन टू आर ठीक है आर इज द आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट ठीक है जिस ऑर्बिट के अंदर में सेटेलाइट घूम रहा है ये उसकी ऑर्बिट उसकी रेडियस है और ये कितनी होती है आर ई प्लस एच वेर एच इज हाइट ऑफ द सेटेलाइट हाइट कहां से मतलब हाइट मतलब भी क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सर्फेस दैट इज द हाइट ठीक है तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी सेटेलाइट की अब देखो सेटेलाइट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जितना भी सेटेलाइट है जितने भी सेटेलाइट है दे आर इन अर्थ ग्रेविटी बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंटिविटल फोर्स इट मीन्स द मोशन ऑफ सेटेलाइट इज अंडर ग्रेविटी ग्रेविटेशन ठीक है और ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स देर द एवरी सेटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो ठीक है ठीक है बात आई समझ में जानते ही हो ना कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी तो सेटेलाइट हैल्सो पोटेंशियल एनर्जी हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी इज आप जानते ही हो अपने पास कि यदि हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें ठीक है इफ यू कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी देन एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अर्थ सेंटर अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई ठीक है स्मॉल एम मास की ऑब्जेक्ट रखी होगी कि इफ वी कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हो तो अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई स्मॉल एम मास रखा हुआ है तो आप जानते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है यू इजल टू माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर अब यदि मैं इसको सेटेलाइट की एनर्जी से कंपेयर करूं तो ये कितनी आ जाती है कि द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है और साइन कैसा होता है इसका नेगेटिव होता है अब दो हमने सेटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी बता दी हमने सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी बता दी तो अब कोई हमसे पूछे सेटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी निकाल लो टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज इकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो कितनी आ जाएगी जी एम ई एम अपॉन 2 आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है माइनस जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर ठीक है इन दोनों का आप जरा सम करोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी आ गई कि तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन 2 आर ठीक है आर कौन सा स्मॉल आर ये हरदम ध्यान रखिए अब जरा इसको देखिए किसके बराबर है कि दिस टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है प्लस जी एम ई एम अपॉन टू आर ठीक है और पोटेंशियल और टोटल uh, एनर्जी कितनी है माइनस जी एम ई एम अपॉन टू आर इसलिए टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब स्कोर देखिए ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आप जानते ही हो माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन आर इसका मतलब ये जो टोटल तो तो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है तो टोटल एनर्जी इक्वल टू तो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो अब इस तरह से हमने निकाल ली हैंस द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट एच इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन टू आर और हम आर की वैल्यू पुट कर दें स्मॉल आर की तो वो कितनी जाएगी माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन टू इंटू आर ई प्लस एच वापस मैं बस याद दिला रहा हूं आपको कि ऐसा कब बोल पा रहे हो आप ऐसा तब बोल पा रहे हो जब आपने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया है जीरो मान लिया है तब आ जाएगी बात ठीक है चलो अब आगे सुनो क्या कहा आपने ऐसे कि यदि हम इस सेटेलाइट को कहाँ ले जाएं इनफाने डिस्टेंस पर ले जाएं हम उसके ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ाते 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 कहा ले जाएं इनफाने डिस्टेंस पर ले जाएं इन्फिनिटी के ऊपर आपने पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान रखा है जीरो ठीक है वहां पर वहां तक ले जाए वहां तक ले जाए तो इसका मतलब वहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लू जीरो तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो तो इन्फिनिटी पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई जीरो e जब वह अपनी ऑर्बिट में है ठीक है वेन द सेटेलाइट इज इन इट्स ऑर्बिट टोटल एनर्जी इजिकल टू हाउ मच तो कैपिटल इजिकल टू माइनस जी एम एम अपॉन टू आर तो जब कोई सेटेलाइट अपनी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी आपको मालूम है जब कोई सेटेलाइट को उसी सेटेलाइट को यदि हम इनफिनिटी पर ले जाना चाहते हैं तो वहां हमें एनर्जी मालूम है तो बच्चों एक बात बताओ सेटेलाइट की एनर्जी जब वो ऑर्बिट में है तब ज्यादा है या इन्फिनिटी पर है तब ज्यादा है तब कई बार बच्चे कह देते कि सर जब वो ऑर्बिट में है तब ज्यादा है नहीं ऑर्बिट में है तब उसकी एनर्जी देखिए अपने पास कितनी आ रही है माइनस में है और इन्फिनिटी पर उसकी एनर्जी कितनी है जीरो है इसका मतलब जीरो से कम जो चीज होती है वो नेगेटिव होती है और जीरो से जो ज्यादा होता है वो पॉजिटिव होता है इसका मतलब जब कोई भी सेटेलाइट अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जब वो इंफिनिटी पर होगा उसके कंपेरिजन के अंदर में कम होगी इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू पुट ए सेटेलाइट इट्स ऑर्बिट टू द इनफिनेटिव हम किसी सेटेलाइट को ऑर्बिट से इन्फिनेटी तक ले जाना चाहें ठीक है उसको ऑर्बिट में भी घूम रहा है उस ऑर्बिट से बढ़ाते हैं तो उसको हम इंफिनेटिव पर ले जाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी कहाँ से आएगी इफ वी गिव्स इफ वी सप्लाई सम एनर्जी हम उसको कुछ एनर्जी दें ठीक है हम उसको कुछ एनर्जी दें कितनी एनर्जी दें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू पुट ए सैटेलाइट फ्रॉम इट्स इनफिव इज हाउ मच तो प्लस जी एम अपॉन टू आर इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अभी उसकी कितनी है माइनस जी एम ई एम अपॉन टू आर जब आप उसको प्लस जी एम ई एम अपॉन टू आर दो दोगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो जीरो और यही एनर्जी कहां पर है उसकी इन्फिनिटी पर है इसका मतलब किसी भी सेटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैपिटल जी एम ई एम अपॉन टू आर दिस इज ए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है ठीक है और दिस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी वाइट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि जब वो अपनी ऑर्बिट में है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है और जब वो इन्फिनिटी पर चल जाता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो जब आप जब कोई सिस्टम किसी फोर्स के अंडर रहता है तो वहाँ पर वो बाउंड रहता है और जब उसको कोई फोर्स नहीं हो जाता है तो वो फ्री हो जाता है इसका मतलब द एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट एट इन्फिनिटी इज का इज कॉल्ड द फ्री स्टेट एनर्जी और बिकॉज दैट स्टेट इज फ्री एंड द ऑर्बिट इज दैन द सेटेलाइट इज मूविंग इन इट्स इन इट्स ऑर्बिट देन इट इज इन बाउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू फ्री ए सिस्टम फ्रॉम इट्स बाउंड स्टेट टू द फ्री स्टेट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं ठीक है आई बात समझे अब और सुनो देखो आपने कम से कम इतनी एनर्जी दे दी कितनी एनर्जी दे दी बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे दी किसको दे दी सेटेलाइट को दे दी क्या होगा वो वो अपनी ऑर्बिट से इंफिनिटी पर चला जाएगा चला जाएगा ना अब क्या वो इन्फिनिटी पर जाने के बाद वापस कभी आएगा सोचो क्यों आएगा जब वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल कितना अर्थ उसको कितने फोर्स से खींच रही है मतलब सब जीरो? अब उसको खींच ही नहीं रही है इफ देर इज नो पुल टूवर्ड्स अर्थ देन वाई इट कम बैक ऑन अर्थ तो वो अपने अर्थ पर क्यों आएगा वो अपनी ऑर्बिट में क्यों आएगा वो तो फ्री हो चुका है यदि वो फ्री हो चुका है तो फिर बाद में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो वो कभी वापस नहीं आएगा कभी वापस नहीं आएगा तो वंस यू पुट ए सेटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू द इन्फिनिटी देन इट नेवर कम बैक इन इट्स ऑर्बिट और इट नेवर कम बैक एट अर्थ सरफेस दैट मीन इट एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट स्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी वो अर्थ ग्रेविटी से स्केप कर गया इसीलिए इसी एनर्जी को किस एनर्जी को जो आपने दी है हाउ मच एनर्जी जी एम अपॉन टू आर बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दी है दैट इज ऑल्सो नोन एज तो दिस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज स्केट मैच अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द सेटेलाइट रीच एट द इंफिनिटिव एंड फ्रॉम फ्रॉम देयर इट नेवर कम बैक वो कभी वापस नहीं आएगा इसलिए इसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं स्केप एनर्जी सो द स्केप एनर्जी ऑफ ए सेटेलाइट ई एस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस जी एम ई एम अपॉन टू आर ठीक है दैट इज इक्वल टू द काइंट एनर्जी ऑफ सेटेलाइट सेटेलाइट की काइंट एनर्जी देखिए इतनी है दैट इज द इक्वल टू द कांट एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इसका मतलब इफ वी डबल द कांट एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट क्योंकि वेलोस्टी ज्यादा होती है तो ही काइंटीगर्जी ज्यादा होती है कांटिगर्जी तो को डबल करना है तो वेलोस्टी कितनी करनी पड़ेगी तो इन जनरल बच्चे क्या जवाब देते हैं सर फोर टाइम्स अरे उल्टा बोल गए अरे वेलोस्टी को डबल करने पर काइंटिगर्जी फोर टाइम्स हो जाती है तो हमें का एनर्जी को डबल करना है इसके लिए को कितना करना रू टू टाइम्स ठीक है ऑर्बिट इट मीन द स्केप एनर्जी वी स्केप इज इकल टू रू टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी अब आप ऑर्बिटल की वैल्यू पुट कर दीजिए तो so, ये कितनी आ जाएगी तो so, स्केस्टी इज इकल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एम ई एम अपॉन आर ठीक है और अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच ठीक है ये एच हाइट पर जो सेटेलाइट है उसके लिए उसकी ऑर्बिट से स्केब कराने के लिए हमारे पास उसकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ठीक है हम अब उस सेटेलाइट की बात कर लें वापस जो अर्थ के क्लोज और घूम रहा है उसके लिए एच कितना एच इज 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर मींस आर ई प्लस एच इज ऑलमोस्टल टू आर ई ठीक है तो उस केस के अंदर में उसकी स्केबलिटी कितनी हो जाएगी वी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी अंडर रूट ऑफ टू जी एम ई अपॉन आर ई ठीक है उसकी वैल्यू पुट कर ले हम ठीक है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है तो 7.919 किलोमीटर तो स्के वेलोसिटी ऑफ दैट सेटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस वी इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर इंटू सेवन पॉइंट नाइन वन नाइन ऑलमोस्ट एट किलोमीटर ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा मेरे पास इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है तो दिस इज ए स्के सेटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ अब हम उसकी स्केबलिस्टी की बात कर लें किसकी जियो स्टेशन सेटेलाइट की तो जियो स्टेशन सेटेलाइट की भी velocity कितनी हो जाएगी स्केबलस्टी इज इक्वल टू रूट ए इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सेटेलाइट की स्केबेस्टी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की रूट टू टाइम होती है और जियो स्टेशन सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है ऑलमोस्ट थ्री किलोमीटर पर सेकेंड तो एक्केस्टी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इजिकल टू रूट टू इंटू थ्री किलोमीटर पर सेकेंड इजकल टू वन पॉइंट फोर वन फोर इंटू थ्री किलोमीटर पर सेकेंड इजिकल टू फोर पॉइंट टू फोर टू किलोमीटर पर सेकेंड दिस इज दी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ठीक है बच्चों तो सुनो हमने आपको किसी भी सेटेलाइट की कांटिंग एनर्जी हमने बता दी हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दी उसकी टोटल एनर्जी बता दी और ये बता दी कि किसी भी सेटेलाइट की ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है वह है इन्फिनिटी के कंपेरिजन में कम होती है तो इसलिए उसको हम क्या करना चाहते हैं स्केप करवाना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है तो वही उसकी क्या हो गई बाइंडिंग एनर्जी हो गई वही उसकी स्केप एनर्जी हो गई और स्केप एनर्जी के लिए उसको वेलोसिटी और कितनी देनी पड़ेगी वो हमने बता दी स्केप वेलोसिटी बता दी तो इस तरह से ये सेटेलाइट के एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी स्केप एनर्जी और वेलोसिटी की बातें पूरी हुई ठीक है तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है